अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दरियाए सिंध से एक नहरी निकलती है जिसे मकामी ज़बान में शोरिया कहते हैं, और वहाँ पे उससे भी छोटी छोटी नहरियाँ निकल रही हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है और वहाँ पानी का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। छोटा सा एक कस्बा है और वहाँ पर एक पुल है, उसके इर्द गिर्द दुकानें भी हैं। आज हम उधर चलेंगे, इस जगह को कहते हैं दरी पीरा दिल। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है, तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोल के सिवा और हम खाने के सिवा नहीं चल सकते। सबसे पहले नाश्ता कर लेंगे और नाश्ते में बने हुए हैं ताज़ा ताज़ा गरम गरम पराठे। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और एक बड़ा ही प्यारा और देसी माहौल बना हुआ है नाश्ते का। हमें कोई 10 से 15 मिनट लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से दरी पीरा दिल वाली जगह पे आ गए हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ये पेड़ बहुत ही ऊंचा है और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। इसके नीचे वो सामने भैंसें भी बांधी हुई हैं और प्यारी प्यारी बकरियाँ भी इसकी छांव तले बैठी हुई हैं, और यहाँ पर आइसक्रीम और फलूदे का इंतज़ाम भी है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा है। दोपहर का टाइम है, अब सर्दियाँ तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे निहार रहे हैं। ये सामने पीपल का दरख्त है और वो है पुल, इसी जगह को दरी पीर आदिल कहते हैं। ये सामने वाले जो लकड़ी के खोखे दिखाई दे रहे हैं, ये सारी हजाम की दुकानें हैं। नहर के किनारे दरख्त के छांव तले बैठकर बाल बनवाने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए कतार खेल रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक प्यारे भाई मोटरसाइकिल रेडी पे केले बेच रहे हैं और इनका रेट बहुत ही माकूल है, यानी कि एक दर्जन केले ये बेच रहे हैं 80 रुपए के, तो हम इनसे ले रहे हैं 2 दर्जन, यानी कि हम इन्हें पैसे देंगे 160 रुपए। पुल के बिल्कुल करीब एक बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ का जो मिल्क शेक है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक गिलास 100 रुपए का है, हमने भाई साहब को बोल दिया है, अभी वो हमारे लिए मिल्क शेक बना रहे हैं। आम का मौसम अब ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहा है, मगर इन भाई साहब के पास है ये मैंगो मिल्क शेक है, और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर मैंगो मिल्क शेक पियेंगे।
दरी पीरा दिल पानी का एक छोटा सा हेड है, मगर वहाँ पे पानी का शोर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमने आपसे बात नहीं की। अब हम एक होटल पे आए हैं, बाबा फरीद इस होटल का नाम है और यहाँ की दाल बहुत मशहूर है। हम घर के लिए दाल ले रहे हैं और यहाँ से कुछ रोटियाँ भी ले रहे हैं। सालन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होगा, मगर घर जाकर रोटियों का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तंदूर जलाया जाएगा या तो फिर तवे के नीचे आग जलाई जाएगी, फिर जाकर रोटी पकेगी। इससे अच्छा हम यहीं से रोटी लेकर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था दरी पीर आदिल का हाल अहवाल। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखरत की इज्जतें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, और हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।